हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो इन पज़ल सीरीज नाउ द नेक्स्ट पजल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट फाइंडिंग द फास्टेस्ट हॉर्सेस सो देयर आर 25 हॉर्सेस वी हैव टू फाइंड आउट द फास्टेस्ट थ्री हॉर्सेस इन वन रेस मैक्सिमम फाइव हॉर्सेस कैन रन हाउ मैनी सच रेसेस आर रिक्वायर्ड इन मिनिमम टू गैट द रिजल्ट नोट वी डोंट हैव टाइमर सो बेसिकली हम लोग टाइमर यूज कर सकते हैं। कि यार पांच पाँच करके पांच बार दौड़ा लो और फिर सबके टाइम नोट कर लो एंड फास्टेस्ट थ्री बता दो तो. नहीं ये काम नहीं हम कर सकते ठीक है नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनमिम नंबर ऑफ रेसेस सो जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हेयर एंड ट्राई टू थिंक आउट द सोल्यूशन फर्स्ट यॉर्स एंड उसके बाद सोल्यूशन देखना सो द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज सेवन रेसेज ठीक है कि मिनिमम सेवन रेसेज लगेंगी हमको फाइंड आउट करने में फास्टेस्ट थ्री हॉर्सेज इफ यू एव बीन एबल टू सॉल्व इट देन दैट्स ग्रेट एंड इफ यू एवर नॉट बी एन एबल टू देन जस्ट फॉलो द सल्यूशन अलॉन्ग सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज की उनको पांच पांचवें ग्रुप्स में बांट देंगे एंड उनकी रेस करवा देंगे ठीक है लेट से फर्स्ट रेस जो होती है हमारे इन हॉर्सेज में होती है

अगर ये अपनी रेस में ही फोर्थ या फिफ्थ आ रहे हैं तो ओवरऑल तो कभी भी ये लोग टॉप थ्री में नहीं आ सकते राइट सो आई कैन स्ट्रेट वे एलिनेट ठीक है जो हमारे टॉप थ्री हॉर्सेज होने वाले हैं वो हो सकता है किसी एक ग्रुप से निकल के आ जाए राइट right? हो सकता है ये जो तीन हॉर्सेज हैं यही हमारे टॉप थ्री हॉर्सेज हों हो सकता है ये हॉर्सेज हमारे टॉप थ्री हॉर्सेज हों वट आई एम सीज एज ऑफ नाउ आफ्टर फाइव रेसेस

and this one is fifth right now clearly i can reject both of them right and i can also reject these ones right because we know that this horse was the topper among his group right and if he himself is not the contender for the top 3 then others can also not be okay so i'm just rejecting these horses okay and also we should realize that this horse is going to be the fastest horse fastest among all the 25 right because हमारे पास जो पांच टॉपर्स आए थे हम उनकी हमने रेस करवा ली एंड जो हमारा टॉपर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल टॉपर ठीक है तो हमारी फर्स्ट पोजीशन तो फाइनलाइज हो चुकी है नाउ लेट्स ट्राई एंड रिजेक्ट सम मोर हॉर्सेस ओके सो आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दीस टू एज़ वेल व्हाई बिकॉज़ अगर ये हॉर्स थर्ड आ रहा है डेफिनेटली ये जो दो हॉर्सेज हैं ये थर्ड वाले से स्लोअर हैं सो टॉप थ्री में तो ये नहीं हो सकते सिमिलरली आई विल रिजेक्ट दिस हॉर्स ऑल्सो ओके सो ये भी रिजेक्ट कर दूंगा मैं वाई बिकॉज ये अगर सेकेंड आ रहा है एट मैक्स ये थर्ड आ जाएगा एंड ये टॉप थ्री में नहीं हो सकता तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया हमने राइट right? सो so, हमारे ये भी रिजेक्ट हो चुके हैं ये भी रिजेक्ट हो गया ठीक है एंड ये वाला हमारा टॉपर है तो एक बार इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ सो ना वी आर लेवली फाइव हॉर्से हमारी फर्स्ट पोजिशन फाइनलाइज हो चुकी है हमारी सेकेंड और थर्ड पोजिशन अभी भी बाकी है सो वट वी गोइंग टू डू इज एक लास्ट रेस दैट इज सेवेंथ रेस हम लोग इन पांचों में करवा देंगे ये जो ब्लैक सर्कल्स मैंने बनाए हैं इन पांचों में करवा देंगे जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड आएंगे दैट आर गोइंग टू बी माई ओवरऑल सेकेंड एंड थर्ड ओके होप so, कि समझ में आ गया एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या किया पूरा सबसे पहले हमने पांच पांच के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था लेट से ये हमारे पांच ग्रुप्स थे ये हमारे सारे टॉपर्स थे ये हमारे सेकंड पोजीशन वाले थे एंड सो ऑन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव्ड दिस राइट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशन वाले कैन नेवर बी इन द टॉप थ्री ओके फिर हमने एक रेस इनमें करवाई राइट right? तो लेट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से आगे वो लोग तो ये पूरा रिजेक्ट कर दिया ये पूरा रिजेक्ट कर दिया ओके देन ऑल्सो हमने ये दोनों रिजेक्ट कर दिए बिकॉज अगर ये थर्ड है तो डेफिनेटली ये दोनों तो टॉप थ्री में नहीं आ सकते सिमिलरली हमने ये वाले को रिजेक्ट कर दिया कि अगर ये वाला सेकेंड है ये एट मैक्स थर्ड हो जाएगा तो ये थर्ड के बाहर ही जाएगा राइट right? एंड ये वाला हमारा टॉपर है सो वी आर एट द एंड लेफ्ट विद ओनली फाइव ऑप्शन दैट इज दिस हॉर्स दिस हॉर्स दिस हॉर्स दिस हॉर्स एंड दिस हॉर्स तो हमारे पास पांच ऑप्शन बचते हैं इन पांचों की एक रेस करवा लेंगे जो भी टॉप टू होंगे दैट आर ओवरऑल गोइंग टू बी माय सेकंड एंड थर्ड ठीक है सो आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर सो द आंसर इज गोइंग टू बी सेवन रेसेस राइट सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर इंटरेस्टिंग पजल थैंक यू